अलर्ट, आई एम अपीयरिंग इन दिस केस ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 629 प्राइवेट रेस्पोंडेंट वायलर। क्या करते हैं आप? हम करते हैं हुजूर, किसान हैं हम, ये हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इनका क्लेम है हुजूर, प्लेयर देखिएगा, वी आए हैं फॉर क्वेशिंग द ऑर्डर ऑफ डीसीएलआर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डीसीएलआर? लास्ट पेज देखा जाए हुजूर उसका, पेज नंबर 96 माय लॉर्ड 96। हाँ, इनका प्रेयर एंड लास्ट फाइंडिंग ऑफ डीसीएलआर देख लिया जाए। जटिल स्वत्व संबंधी विवाद उभर कर सामने आता है, रैयत वंशज के आधार पर दावा किया जा रहा है विपक्षी मेरे द्वारा। अभी अब आप चुप रहिएगा, जरा हम अपना पिछला ऑर्डर देखेंगे। और ये क्या है, सब इंस्पेक्टर हैं क्या है, एएसआई हैं सब? क्या नाम है आपका? अवलेश कुमार यादव। कहाँ तक पढ़े हैं, मैट्रिक की नॉन मैट्रिक? मैट्रिक पास कर गए हैं, पढ़कर पास किए थे। अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं? कम जानते हैं। पढ़कर बताइए, पढ़ाइए, पढ़िए। मिस्टर खान, हाउ विल ही बी एबल टू ऑनर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इफ ही कैनॉट comprehend it, he cannot read it, he should be given a translated copy of the order by the petitioner or by the state. आपको जब ये order देने गए तो आपने कहा कि जब high court से order direct हमको आएगा तब हम इस पर संज्ञान लेंगे इसका, जी। क्या कहा आपने? ये झूठ बोल रहे हैं, आपने कहा? कब मिलने गए थे आपसे ये order लेकर इनके client? 13-14। क्या कब गए थे, आपका क्लाइंट कब गया था? 3 तारीख को गया था। 3 तारीख को इन्होंने क्या कहा? कहे कि चूंकि हाई कोर्ट से डायरेक्ट आएगा, वकील का दिया हुआ, हम नहीं मानते हैं, हाई कोर्ट से आएगा तब हम मानेंगे। उसके बाद जो है हम तो स्पीड पोस्ट से भी भेजे, 14 तारीख को जब नोटिस देने हमको गए तो हमने उस समय भी कहा, नोटिस हमको दिया है लिखित में हुजूर के सामने है कि वो दोनों पक्ष को रोका जा रहा है, तो हमने कहा कि नोटिस में ऑर्डर में ऐसा नहीं है, ऑर्डर देख लीजिए, तो कहे कि वैसे कुछ नहीं होता है, हमको जो है हम बता दिए आपको। फिर कल गए हैं, कल हुजूर के यहाँ हम यहाँ कर रहे थे तो कल मॉडिफाइड एक नोटिफिकेशन लेके नोटिस करके फिर गए हैं और मेरे भाई से, पेटिशनर के भाई से सिग्नेचर करा लिए हैं, बिना डेट का डेट नहीं देने दिए, कहे कि इसको ले लीजिए 18 के डेट में, कि मतलब हम जो है उसको गलती से कह दिए थे, वो केवल एक पक्ष को रोका। मिस्टर खान, दुल्हन बाजार में यही हो रहा, हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है टू रेस्ट्रेन मिस्टर एक्स, द पुलिस ऑफिसर रेस्ट्रेन द पिटिशनर एज वेल एज मिस्टर एक्स। वो तो फॉर दैट माय लॉर्ड आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस, बट देन द मैटर हैज बीन। आप इनको 3:45 लाइए, 3:45 इनके एसएसपी आएंगे, उस समय भी सुनेंगे, एंड आई विल हैव टू डिसाइड whether the high court order which has to be communicated to the police officials has to be translated in the office of the high court then communicated or the petitioner is directed to communicate a translated copy. This is happening every day, and it has happened in Dulhin Bazar. My lords, can I? I will initiate a contempt proceeding against this fellow, he will go to jail. अब आप चुप रहिएगा पांडे जी, अभी हम सरकारी वकील से बात कर रहे हैं। ये 353 कब के लिए रखते हैं, जुलूस का जो वायलेशन करता है उसी के लिए 353 का यूज कब करेंगे आईपीसी का? जब आप पर कोई, आप किसी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में गए और नीतीश शर्मा ने आप के साथ बदतमीजी किया या कुछ किया, तो आप लोगों ने उस पर कौन सा मुकदमा दर्ज किया? किया कोई काम? सनहा दर्ज किए। केस दर्ज करना मना है, सनहा से क्या होता है, क्रिमिनल है तो उसको अरेस्ट करके अंदर कीजिए। 302 में बेल हो गया तो वो क्राइम करते रहेगा। आगे से कभी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं समझ में आए तो अपने वरीय पदाधिकारी से बात कीजिए, या अपने वकील साहब से फोन पर बात कीजिए, या आप दुल्हिन बाजार में हैं तो नजदीक हैं।
व्हाट इज द डिस्प्यूट? हमारे रैयती लैंड हमारे एंसेस्टर के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, जिनके द्वारा उनको ही बाद में अभी 2021 में कहते हैं कि वो मेरे ही परिवार से रिलेटेड थे, गलत वंशावली बना करके, जबकि उनका कोई नहीं था। यू आर द परचेजर? परचेजर। यू आर द परचेजर? परचेज व्हेन? 1951। और आपका जन्म नीतीश शर्मा जी कब हुआ? इनका तो ये हुजूर है 45 साल उम्र है, कब जन्म हुआ? ये इनके एंसेस्टर का ही। अरे एंसेस्टर को छोड़िए, आपका जन्म कब हुआ हम पूछ रहे हैं। 42-43 साल का इनका हो रहा है। कब जन्म हुआ? ये जन्म तो वही 80-81 का होगा। आपका 80-81 का होगा। एविडेंस एक्ट पढ़ाइए, सेल लीड जो है सेल लीड प्रिवेल करेगा, और अगर उनको दिक्कत है तो टाइटल सूट में जाएं। हाँ वही हम कह रहे हैं, आई हैव फाइल काउंटर एफिडेविट लिखते हैं। रुकिए, डिटेल्स काउंटर। हाँ डिटेल काउंटर, आप लोग तमाशा करते हैं। जमीन महंगा हो गया तो क्रिमिनल सब आगे बढ़कर पुराना क्लेम कर रहे हैं कि सेल डीड गलत है। इनका एक चीज हम दिखाना चाहें, अब हम कुछ नहीं देखेंगे। आप बैठिए पांडे जी, आप समझ गए कि आप क्या करने जा रहे हैं। दी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस दुल्हिन बाजार, श्री क्या नाम बोले, अवलेश कुमार यादव। अवलेश कुमार यादव इज प्रेजेंट। He has tendered unqualified apology. He submits that whatever mistake has been committed by him has been committed because he could not understand the order of the High Court, which is in English, and he is not good in reading English. Respondent number 6 is a criminal accused in a case under section 302 IPC. Only one or two cases. पांडे जी अब बहस नहीं करना, हम लिखा रहे हैं, चुप रहिएगा, जब बोले तब पूछिए, तब बोलिएगा, नहीं तो नहीं। ये जो है क्रिमिनल साहब, ये अगर बदमाशी करते हैं तो इनका बेल कैंसिलेशन फाइल कीजिए, और ये बदमाशी करते हैं तो इन पर नया मुकदमा दर्ज कीजिए बेहिचक। पांडे जी, लैंड इन क्वेश्चन नाउ ही हैज सबमिटेड कि ही इज ऑन पीसफुल पोजीशन, दैट इज रॉन्ग सबमिशन माय लॉर्ड। सो ही हैज नो, नाउ आई विल टेल यू, यू फाइल अ टाइटल सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड कंफर्मेशन ऑफ पोजीशन। Don't ask for recovery of possession. My lord, title is with me and I am in peaceful possession. So, I am forming the cross. Still you file. He has filed this. Still you file, because he has filed this petition only to gain sympathy of this honorable court, my lord. He is nowhere attached with this land, my lord. He is suppressing the fact. I am against you because you are a criminal. Lord, you are an accused. Four, my lord, out of four respondents, one is 75 years old, second is 60 years old, third is 50 years old. का कोई रोल नहीं है, सब यही नीतीश शर्मा है। No, my lord, this is my ancestor. अरे भाई, my ancestor, आपके ancestor ने बेच दिया और आप पैदा हो गए। हुजूर, गजाधर सिंह जो ही कहते हैं कि गजाधर सिंह कौन थे, आप यही पता करते रहे। वो अनमैरिड की। वो इन अपील, ये सब पटना डिस्ट्रिक्ट में यही हो रहा है। जमीन महंगा हो गया तो जो पैदा हुआ जमीन बिकने के बाद वो अपना क्राइम कर रहा है। 1921 में खरीदते हैं कहते हैं, 1996-97 का इनके पास रेंट रिसिप्ट है। इतने बीच में इनका रेंट रिसिप्ट कहां गया? मेरे पास कंटिन्यूअस रेंट रिसिप्ट। आप क्रिमिनल केस फाइल कर दीजिए। नहीं, टाइटल में हुजूर, टाइटल में आपके पास आए हैं 1921 में सर्सन इनकरिट में कि हम परचेज किए हैं। अरे टाइटल आप फाइल कीजिए या ये फाइल करें, उससे फर्क क्या पड़ता है? यही ना कर रहे हैं हम, तो पीसफुल पोजीशन में एंजॉय कर रहे हैं प्रॉपर्टी अपना। ये आ रहे हैं, इंजंक्शन फाइल कीजिए, एसडीओ के यहां इंजंक्शन फाइल कीजिए। हम इंजंक्शन फाइल करेंगे। लास्ट में लिखिए, it should the if any suit or injunction is petition is filed by the respondents, the court below will proceed in the matter without being influenced by any observation in this case, including any observation about the possession of the petitioner. Aur kuch itna kyon tension mein aa gaya? Apna to kabza ho nahi raha, dusre ka bachane chale hain.